हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पीडअप एजुकेशन में। मैं हूं अभिषेक गौतम और ये हमारी सिक्स क्लास है। इससे पहले हमने पांच क्लासें कंप्लीट की हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले बेसिक था इंडिया के बारे में, फिर उसी का पार्ट टू था, फिर रिवर्स स्टार्ट किए, फर्स्ट उसका पार्ट और फिर रिवर्स का ही पार्ट टू, और अभी जो लास्ट वीडियो थी फिफ्थ वाली वो थी हमारी रोड एंड रेलवेज़ के बारे में। ठीक है, तो उस वीडियो में काफ़ी डाउट्स भी आए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने कल शाम को बोला था आपको, वीडियो के बाद मैं एक पोल करूँगा, उसमें आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने मतलब वोट किया, उसमें लगभग 395 लोगों ने वोट किया और अराउंड 80% जो लोग हैं उनका कहना है कि पहले टॉपिक कराइए, पहले टॉपिक होगा और उसके बाद में एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, तो जो ये है टॉपिक और एमसीक्यूज वाला, यही पैटर्न फॉलो होगा और यहाँ से आपको आज ये क्या कहते हैं एयरपोर्ट्स का सिर्फ टॉपिक टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपको। और आज थोड़ा सा ये शायद हो सकता है वीडियो काफ़ी छोटा करना पड़ जाएगा मुझे, क्योंकि मुझे थोड़ा आज जाना है, काम भी है मेरा, कोई पर्सनल काम नहीं है, लेकिन अब घर वालों की तरफ से कॉल है कि जाना पड़ेगा मुझे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले हम देखेंगे डाउट्स के बारे में। जो पिछली वीडियो में डाउट थे, कुछ गलतियां थी मेरी और कुछ डाउट्स थे लोगों के। तो जो पहला डाउट था, सबसे पहला डाउट, ये जो डाउट नहीं है एक तरीके से मेरी गलती थी, क्वेश्चन नंबर वन में मैंने एक आउटडेटेड बुक से कह लीजिए या फिर कहीं से परसेप्शन मेरे दिमाग में गलत बन गया और मैंने रेलवेज़ को, जो रेलवेज़ थी उसको सेकंड दिखा दिया था। ठीक है, ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, लेकिन जो इंडियन रेलवे है वो फोर्थ प्लेस पर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो मेरी एरर थी और उसके बाद कोई एरर नहीं थी। उसके बाद एक डाउट हुआ था और एक शायद 11th क्वेश्चन था या 9th क्वेश्चन था, जिसमें ईस्टर्न रेलवेज़ की बात की गई थी, ईस्टर्न रेलवेज़, और वो मैंने गलती से ईस्टर्न रेलवेज़ को मैंने पहले से एक तरीके से मन बना लिया था पूर्वोत्तर बोलने का, तो मैं पूर्वोत्तर ही बोल के और उसका ही आंसर बता के चला गया, क्योंकि मैंने बोला पूर्वोत्तर था, उसको पूर्वोत्तर पढ़ लिया था, पूर्व को मैंने पूर्वोत्तर पढ़ लिया था, इस वजह से मैंने उसका क्या कहते हैं हेडक्वार्टर गोरखपुर बता दिया था। ठीक है, तो पूर्वोत्तर का गोरखपुर है और पूर्व का जो है कोलकाता है। तो ये तो थे दो मेजर डाउट जो लोगों के थे। एक बंदे ने डाउट किया था किसी ने, कि मैंने बोला था दिल्ली मेट्रो 2002 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, उसके बारे में भी एक कोई पर्सन थे, उन्होंने बोला था कि नहीं सर, दिल्ली मेट्रो 2002 में नहीं, 2001 में स्टार्ट हुई थी। तो उसमें मैं उनको करेक्ट करना चाहूँगा कि ये दिल्ली मेट्रो जो है 2002 में ही स्टार्ट हुई थी, 25 दिसंबर को। ठीक है, 25 दिसंबर को 2002 में पहली ट्रेन चली थी, उस डेट की बात कर रहा था मैं जब मैंने एक्सप्लेन किया था इस चीज़ को। ठीक है, तो ये तो थे कुछ डाउट जिसमें मेरी एक गलती थी, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर वन में मैंने गलत लिख दिया था और उसको गलत पढ़ा भी था। क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी करने के लिए उसमें मैंने रेलवे और रोड और रेलवेज़ दोनों ऐड कर दिए थे, तो शायद इसी वजह से दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ गलत रह गया मेरे, और मैंने रोड और रेलवेज़ दोनों को सेकंड नंबर पे बता दिया था, जबकि रोड आपकी सेकंड नंबर पे है और रेलवेज़ आपकी फोर्थ नंबर पे है, अगर इंडिया की बात की जाए ओवरऑल वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये तो थे डाउट्स और अब बढ़ते आज की जो आज का जो टॉपिक है क्या कहते हैं एयरपोर्ट्स के बारे में। तो बात करें एयरपोर्ट्स के बारे में, तो एयरपोर्ट्स के बारे में अगर जो अथॉरिटी है भारत में एयरपोर्ट के लिए, जो एयरपोर्ट्स के डोमेस्टिक, आपके डोमेस्टिक जितने होते हैं प्लस इंटरनेशनल, ठीक है, डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल दोनों जो फ्लाइट्स होती हैं, दोनों जो एयरपोर्ट्स होते हैं उनको मैनेज करता है कौन, AAI। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ही इसका एग्ज़ाम हुआ था, अभी कुछ दिन पहले AAI में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का एग्ज़ाम हुआ था, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC इसका एग्ज़ाम हुआ था, रिजल्ट्स अभी आने वाले हैं शायद, उसका क्या कहते हैं आंसर शीट डिक्लेयर कर दी गई है, रिजल्ट भी शायद डिक्लेयर हो गया है, मुझे इतना एग्जैक्टली पता नहीं क्योंकि नोटिफिकेशंस मैं नहीं संभालता हूँ, मेरा पोर्शन है GK GS का और कंप्यूटर का, तो वो मैं उसके वीडियोस मेरे आते हैं। तो जो आपका क्या कहते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसको हिंदी में अगर बात की जाए तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। ठीक है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जो है आपका, उसका लोगो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है उसका लोगो। अब बात करते हैं कुछ और इसके पॉइंट्स के बारे में। तो अगर सबसे पहले बात की जाए तो जो हमारे एयर, जो मैंने पॉइंट बोला था कि द कंट्रोलर एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ऑल द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, डोमेस्टिक मतलब घरेलू और जो इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स का जो क्या कहते हैं कंट्रोल है वो AAI के हाथ में होता है, AAI दैट इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, कंट्रोल मतलब उनका क्या कहते हैं नियंत्रण और संचालन दोनों जो हैं इन्हीं के हाथ, क्या कहते हैं AAI के हाथ में होता है। ठीक है, एंड इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को अगर हिंदी में बात की जाए तो उसको बोला जाता है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ठीक है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय,
ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का हिंदी में मतलब। तो जो आपका डबल एआई है, डबल एआई है वो किसके अंडर आता है, वो आता है आपके सिविल एविएशन जो आपकी मिनिस्ट्री है उसके अंडर में, ठीक है, उस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। और अभी जो है डबल एआई के चेयरमैन कौन से हैं ये भी याद कर लीजिए, गुरु प्रसाद मोहपात्रा। अब कुछ भी याद करें ना करें एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा। और मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्टर्स जो हैं ये भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं कि जितने भी आपकी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं उनके मिनिस्टर आपको पता होना चाहिए कि उनके मिनिस्टर फिलहाल कौन है, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। ये हैं मिस्टर सुरेश प्रभु जो उसके मिनिस्टर हैं अभी, जो सिविल एविएशन है आपका, नागरिक उड्डयन मंत्री जिनको बोलेंगे, नागरिक उड्डयन मंत्री जो हैं वो हैं आपके सुरेश प्रभु। और सुरेश प्रभु इससे पहले रेलवेज़ के थे, इससे पहले रेलवेज़ के थे, सब जब जब सरकार बनी थी, शुरुआत हुई थी, तो ये रेलवेज़ के थे। काफ़ी अच्छी बातें इनके बारे में बोली जाती थी, एजुकेटेड बंदे थे, लेकिन फिर बाद में कुछ कारणवश जो भी हुआ हो इनको रेलवेज़ से हटा के, या रेलवेज़ से हटा के इनको नागरिक उड्डयन मंत्री बना दिया गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की, कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो जैसे पहला जो पॉइंट है आपका कि द लार्जेस्ट एंड बिजीएस्ट, मतलब सबसे बड़ा और सबसे बिजी मतलब व्यस्त, ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त जो एयरपोर्ट है इंडिया का उस वो है क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली, ठीक है। इस वाली वीडियो में जो मेजर लैंग्वेज है, जो मेजर लैंग्वेज है आपकी वो इंग्लिश है, ठीक है। इससे पहले जो हम लिखा करते थे उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों होती थी, क्योंकि वो आपका होता था क्या, एमसीक्यूज होता था। अब इसमें मेजर लैंग्वेज इंग्लिश है। हिंदी वालों के लिए मैं ये बता दूं कि हिंदी का जो भी कंटेंट रहेगा आपको, जब एक्सप्लेनेशन होगा वो पूरा हिंदी में रह रहा है, इंग्लिश को मैं पढ़ रहा हूँ जरूर हूँ लेकिन एक्सप्लेनेशन हिंदी में रहता है। तो आपको नोट्स अगर बनाने हैं आपके, तो आप आसानी से नोट्स बना सकते हैं, जो उनके क्या कहते हैं की पॉइंट्स हैं, मैं उनको उनकी हिंदी बताता चलूँगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हिंदी वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जो अभी तक का इंग्लिश का चल रहा था कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इंग्लिश के बारे में, तो वो अब इंग्लिश वालों को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए अब आगे, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है, आप नेक्स्ट पॉइंट है कि कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ केरला इज वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पावर्ड बाय सोलर पावर, ठीक है। सोलर पावर की बात की जाए अगर, तो इंडिया सोलर पावर में सबसे क्या कहते हैं इन्वेस्ट करने वाला सबसे ऊपर का कंट्री बन गया है। और इंडिया सोलर पावर में, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर सोलर अलायंस बनाया, जिसमें अभी लगभग 76 कंट्रीज जुड़ चुके हैं। ये डाटा जो मैं बता रहा हूँ 76, इस पर डाउट मत करिएगा, ये एग्जैक्ट डाटा हो सकता है अभी कोई और नया कंट्री जुड़ गया हो, वो आपको नहीं याद रखना है। लेकिन याद आपको ये रखना है कि इंडिया और फ्रांस ने मिलकर सोलर अलायंस शुरू किया था, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या कहते हैं चैंपियंस ऑफ अर्थ का अवार्ड मिला। तो जो याद करने वाली बात है वो ये कि इंडिया और फ्रांस ने इसका क्या कहते हैं इसकी स्थापना की थी, और नरेंद्र मोदी जी को इसी के लिए चैंपियंस ऑफ अर्थ का अवार्ड मिला। और इसकी अगर बात की जाए हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम में है, ठीक है, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। ये याद करने वाली बात थी आपकी सोलर अलायंस से लेके। आप किसी भी पार्टी के हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको इतना तो याद रखना ही पड़ेगा, जो देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं उनको आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट्स के बारे में। तो महाराष्ट्र के जो इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, महाराष्ट्र इज अ स्टेट विथ हाईएस्ट नाइन फंक्शनिंग एयरपोर्ट। अब नाइन की जो ये नाइन है यहाँ पे, हो सकता है ये फिलहाल 10 हो, क्योंकि डाटा कभी कभार चेंज हो जाता है, लेकिन आपको नाइन मत याद रखिए अगर, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र जो आपका स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट वो सबसे ज़्यादा, उसके पास सबसे ज़्यादा फंक्शनिंग एयरपोर्ट है, मतलब जो फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है, जो चल रहे हैं, जो सुविधाएँ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपको सर्विस दे रहे हैं। बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं बहुत सारे जगहों पर, लेकिन वो बंद पड़े हुए हैं, वो क्लोज्ड हैं। जैसे कि अगर यूपी की बात की जाए तो गोरखपुर का एयरपोर्ट अभी तक बंद था, अभी कुछ दिनों पहले वो ऑन हुआ है, वो चालू किया गया है, ठीक है। तो अगर उस प्रोस्पेक्टिव में बात की जाए तो महाराष्ट्र एक स्टेट है, महाराष्ट्र जो स्टेट है वो आपका हाईएस्ट एयरपोर्ट रखने वाला स्टेट है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका, नेक्स्ट जो पॉइंट है, जुहू जो कि मुंबई का एक एरिया है, जुहू एरोड्रम जो है आपका इज़ द फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया फाउंडेड इन 1928, ठीक है। जुहू का जो एरोड्रम है वो इंडिया का सबसे पहला एयरपोर्ट था जो बनाया गया था। अभी फिलहाल वो शायद फंक्शन नहीं करता है, कॉमर्शली फंक्शन नहीं करता है, और वो इंडिया का जो आपका ओल्डेस्ट एयरपोर्ट है, ठीक है, 1928 में उसको बनाया गया और वो इंडिया का ओल्डेस्ट क्या कहते हैं एयरपोर्ट है। जो ये नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि कैप्योंग ऑफ सिक्किम स्टेट में, सिक्किम ने अभी पहला, ये फर्स्ट है सिक्किम का,
सिक्किम को आपका उसका पहला एयरपोर्ट मिला, उसका पहला एयरपोर्ट मिला कापयोंग में। और ये जो आपका था, ये पूरे इंडिया की बात की जाए अगर, तो सौवां एयरपोर्ट हुआ था, ठीक है। इनॉग्रेट किया गया किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, इनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन हुआ। ये भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है कि किसने इनॉग्रेशन किया था, ठीक है। एक स्कीम चलाई गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक स्कीम चलाई गई थी जिसका नाम है उड़ान। इसको अगर हिंदी में बात, इसका जो फुल फॉर्म है हिंदी में ही है कि उड़े देश का आम नागरिक, ठीक। तो उड़े देश का आम नागरिक जो आपकी, जो इसका फुल फॉर्म है उड़ान का, इसके इस स्कीम के तहत ही ये एयरपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। इसमें इसका जो बेसिक है, बेसिक क्या है, उड़ान इज़ द रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट एंड रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो रीजनल कनेक्टिविटी है, जैसे मतलब हम इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर इंडिया से किसी और देश की बात नहीं कर रहे हैं, विद इन इंडिया मतलब इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो अलग अलग जगहें हैं उनके बीच में कनेक्टिविटी कैसे अच्छी की जाए, ठीक है। तो इसके लिए ये जो स्कीम चलाई गई थी उड़ान, और इसमें एयरपोर्ट्स को क्या कहते हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ाना और फ्लाइट्स बढ़ाना उनके बीच में, और नए एयरपोर्ट्स डेवलप करना, ऐसे इस टाइप के उनके जो क्या कहते हैं उनके एम हैं, जिसके थ्रू, जिसके लिए ये स्कीम जो है शुरू की गई है, ठीक है। तो जो पूरा पॉइंट लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ लेट द कॉमन सिटीजन ऑफ कंट्री फ्लाई, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है उसी का, कि आम आदमी, जो भारत का आम आदमी है उसको उड़ने का मौका दिया जाए, ठीक है। उसको उड़ने का मौका दिया जाए मतलब उसको जो फ्लाइट्स की टिकट है वो आसान की जाए थोड़ी सी, और छोटी छोटी जगहों पे क्या कहते हैं एयरपोर्ट्स को जो स्टेबल किया जाए, उनको जो बंद है उनको चालू किया जाए। ये पूरी स्कीम उसी चीज़ के लिए है। इट वॉज़ रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मतलब जो क्या कहते हैं आपकी उड्डयन मंत्रालय है उसके द्वारा 15 जून 2016 को इसको लॉन्च किया गया था। ये डेट भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपसे इस डेट के बारे में पूछा जाए। तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। अगर इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की जाए तो आपको चेयरमैन याद रखना है, चेयरमैन आपको पता होना चाहिए, और आपको मिनिस्ट्री का जो क्या कहते हैं मिनिस्टर है फिलहाल उसका नाम पता होना चाहिए। उड़ान जो क्या कहते हैं उड़ान जो स्कीम चलाई गई वो कब लॉन्च की गई इसको आप याद रखें, और इनॉग्रेशन किसने किया, 100th जो आपका एयरपोर्ट था उसको आप याद कर लीजिए कि सिक्किम का एयरपोर्ट था वो, ठीक है। और ये सब चीज़ें, ये पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं इसके बारे में। अब हम बढ़ते हैं एयरपोर्ट्स के बारे में, जानते हैं जो हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके की पूरी लिस्ट है जो आपकी 2 पेज तक जाएगी कंटिन्यू, ये एक पूरी लिस्ट है, ठीक है, ये एयरपोर्ट्स की पूरी लिस्ट है। तो अगर आप लिस्ट देख के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको पहले एक बार थोड़ा सा मैप में अंदाज़ा लगा देता हूँ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं वेरियस इंपॉर्टेंट जितने एयरपोर्ट हैं उनके बारे में, ठीक है। जैसे यहाँ पे चंडीगढ़ का एयरपोर्ट दिया हुआ है, यहाँ अमृतसर का एयरपोर्ट है, लाहौर यहाँ पे है, लाहौर के पास में यहीं पे अमृतसर का भी एयरपोर्ट आपको ये दिखेगा। गुरुदास जो एयरपोर्ट दिख रहा है ये गुरुदास एयरपोर्ट है, आपको स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, श्री गुरुदास एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपका अमृतसर में है। फिर उसके बाद दिल्ली का एयरपोर्ट, और उसके बाद यहाँ पे आपको जयपुर का, ये जयपुर का एयरपोर्ट होगा, ये लिखा नहीं है यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ, ये जयपुर का एयरपोर्ट है। और ये यहाँ पर आपको लखनऊ का एयरपोर्ट दिखेगा चौधरी चरण सिंह, और फिर आपको लाल बहादुर शास्त्री, ये बनारस का, वाराणसी जिसको बोलते हैं। और उसके बाद इधर सिक्किम में ये आपका 10th वाला एयरपोर्ट जो आपका दिख रहा है, और यहाँ पर आपको दिखेगा असम में, असम का एयरपोर्ट। तो ये सब एयरपोर्ट्स हैं जिनके बारे में हम अभी इनके नाम देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं उनके बारे में उनको हम याद रखेंगे, ठीक है। कुछ तो हैं जो आपके उसकी जगह के नाम पर होंगे, जैसे जयपुर का एयरपोर्ट जो है तो उसका नाम से जयपुर एयरपोर्ट ही है, ठीक है। और जैसे ऐसे मतलब मैंगलोर का एयरपोर्ट जो है, मैंगलोर यहाँ पर पड़ेगा, ये मैंगलोर का एयरपोर्ट है तो उसका भी नाम जो है मैंगलोर एयरपोर्ट है। तो जो वैसे होते हैं जिनके नाम एग्जैक्टली सिटी के ऊपर हैं वो आपको उतने याद नहीं करने पड़ेंगे, ना वो आपसे पूछे जाएंगे। पूछे कौन से आते हैं, पूछे जाएंगे ऐसे जिनके क्या कहते हैं नाम आपको पता नहीं है, जिनके नाम चेंज किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे है ये नागपुर का एयरपोर्ट है, इसको बोलते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एयरपोर्ट। मुंबई का एयरपोर्ट छत्रपति साहू जी महाराज यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, महाराज एयरपोर्ट। और उसके बाद जितने भी ऐसे एयरपोर्ट हैं, जैसे दिल्ली का एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अहमदाबाद का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और बनारस के एयरपोर्ट का नाम लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जैसे जो ये वाले नाम हैं जिनके नाम चेंज किए गए हैं, जिनके कुछ ना कुछ नेम्स जो हैं वो चेंज कर दिए गए हैं,
वो आपको अच्छे से याद करने होंगे। अब मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ, थोड़ा सा बोरिंग कम होगा क्योंकि आपको जगह पता है, तो आप मेरे जो लिस्ट है वो एक तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए लिस्ट है, तो उसको आप मतलब अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है वो लिस्ट जो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। ठीक, इसमें पहला एयरपोर्ट जो आपका लिखा हुआ है यह है श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर पंजाब। कहीं कहीं पर जो मैंने स्टेट का नाम नहीं लिखा है, जैसे बहुत जो फेमस होते हैं उनमें स्टेट का नाम नहीं लिखा है, और जैसे यहाँ पर मतलब वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली लिखा हुआ है, इसको आप काट दीजिए, इतना फेमस तो कोई नहीं है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। ठीक, उसके बाद आपका आएगा चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ। एक चंडीगढ़ में भी एक एयरपोर्ट है, लेकिन इतने अभी सभी को आपको याद नहीं करना है, जिनके नाम चेंज हैं, जिनके नाम थोड़े से अलग हैं वो आपको याद करने हैं। खैर, यहाँ पे आपको जो है अधिकतर जितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं वो सब लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं उनके नाम मैं आपको बाद में बता दूंगा। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो लखनऊ का, ये भी एयर इंपॉर्टेंट है। ये दोनों हैं आपके उत्तर प्रदेश के, और इससे पहले दिल्ली का एक था जो मैंने इससे पहले बता दिया आपको। ठीक है, अब आएंगे हम राजस्थान में, तो राजस्थान में क्या है, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अकेला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है राजस्थान का, बस इतना याद रखिए, आपको नाम इसका याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जयपुर के नाम पर है, कभी नहीं पूछा जाएगा। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है, राधा नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद। इसमें क्या ज़रूरी है, आप नाम से गुजरात को रिलेट कर लेंगे, आपको ज़रूरी याद रखना कि ये अहमदाबाद में है, क्योंकि गुजरात में और भी बड़े बड़े सिटी हैं, सूरत है, पोरबंदर जो इम्पोर्टेंट है, श्रीनगर वहाँ पे पड़ता है, सॉरी गांधीनगर पड़ता है वहाँ पर, तो ऐसे ऐसे जो बहुत सारे और सिटीज़ हैं उनमें से आपको याद रखना क्या है कि अहमदाबाद में है ये एयरपोर्ट, और सरदार वल्लभ भाई पटेल है, तो आप ये इससे आसानी से समझ जाएंगे। अभी अभी यूनिटी ऑफ स्टैचू बना है जो वो भी गुजरात में ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये जो रिलेट करके याद करने का तरीका है, इससे आप आसानी से याद कर लेंगे। आप अपने दिमाग में एक ऐसी इमेज बनाइए, जैसे कि मतलब मैंने बात की चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो आप याद रखिए कि हाँ चौधरी चरण सिंह कौन थे, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, और वो उनका जो एयरपोर्ट है वो कहाँ पर हो सकता है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट अगर बनारस में है तो बनारस में क्यों है, क्योंकि वो बनारस के पास के रहने वाले थे, आगे चल के वो उन्होंने क्या कहते हैं राजनीति में आगे चले और देश के PM बने, इतना बड़ा उन्होंने काम किया, इसलिए उनका नाम जाना जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अगर जो हैं ये कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं, इसीलिए यहाँ पर उनके नाम चेंज किए गए हैं, ऐसे ही किसी का भी नाम कहीं नहीं रख दिया गया है। तो आपको कोई ट्रिक बता दूं मैं, कोई एक ट्रिक बता दूं और किसी और एक किसी ट्रिक से मैं आप याद करें तो एक आपको एक्स्ट्रा चीज़ याद करने को हो जाएगी, और वो भी एक तरीके से रटने वाले तोते की तरह। तो आप उस तरीके से डाटा, सिर्फ डाटा, एक डाटा याद ना करें, अपने दिमाग को डाटा से भरें ना, आप एक क्या कहते हैं जनरल तरीके से पढ़ें। ठीक है, बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है भुवनेश्वर में है। बीजू पटनायक कौन है, बीजू पटनायक जो ये जो हमारे वर्तमान में क्या कहते हैं अभी CM है उड़ीसा के, नवीन पटनायक जी, उनके क्या कहते हैं उनके वो थे पिताजी थे, नवीन पटनायक जी जो हैं अभी उनके पिता थे बीजू पटनायक। ठीक है, ये भी CM रहे थे, ये थर्ड CM रहे थे, और बीजू पटनायक जो नवीन पटनायक हैं अभी उड़ीसा के, ये शायद 14th CM है। ठीक है, CM ऑफ उड़ीसा। तो इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो एक सिर्फ एक चीज़ याद नहीं रखेंगे, एक चीज़ के साथ साथ आप और भी नॉलेज जो है वो गेन करते जाएंगे, और ये सब नॉलेज आपको आगे किसी भी एग्ज़ाम में काम आ सकती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट वालों में से है क्योंकि इसका भी नाम चेंज हुआ है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो अभी तक तीन हो गए जो आपको इंपॉर्टेंट याद करने हैं। ठीक है, पहला भी तो इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी क्या कहते हैं, पहले दोनों भी इंपॉर्टेंट है, श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। ये तो आप इंपॉर्टेंट ना भी हो तो आपको याद रहेगा, अगर आप दिल्ली के आसपास से थोड़ा भी कहीं ना कहीं दिल्ली आना जाना आपका रहता है तो। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और एयरपोर्ट्स के बारे में। तो जो पहला एयरपोर्ट इसमें लिखा है लिस्ट में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब आप सोचिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ के थे, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता क्या कहते हैं वेस्ट बंगाल के थे, कोलकाता में ही रहे, पढ़े बढ़े वहाँ से इन्हें पॉलिटिक्स क्या कहते हैं वहीं से इन्होंने पॉलिटिक्स की, फिर और एक अच्छे इंपॉर्टेंट नेता बन के उभर के सामने आए पूरे क्या कहते हैं देश और दुनिया के सामने। तो यहाँ से आपको आसानी से याद हो जाएगा कि कोलकाता का एयरपोर्ट जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर है। ठीक है, लोकप्रिय गोपीनाथ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है असम के, जो इनका क्या कहते हैं असम के एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई। तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपका गुवाहाटी में, और गुवाहाटी क्या है, राजधानी है गुवाहाटी असम की। अब आपको लग रहा होगा राजधानी दिसपुर है, तो दिसपुर जो है एक छोटी सी जगह है गुवाहाटी के अंदर, मतलब अगर गुवाहाटी इतना पूरा एरिया है तो उसी में एक दिसपुर एक जगह है
दिसपुर एक छोटी सी जगह है जहाँ की जो आसाम की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है तुलिहाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तुलिहाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ पर है, यह है इम्फाल में। और ये इतना इंपॉर्टेंट खैर वैसे है नहीं, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि अब नॉर्थ ईस्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं पहले के मुकाबले। अब नॉर्थ ईस्ट के क्वेश्चंस एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं, थोड़ा सा एक ये कह लीजिए या फिर इंपॉर्टेंस देने के लिए। विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विशाखापट्टनम कहाँ पर है आंध्र प्रदेश में बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में, काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आपका ये एयरपोर्ट भी है। ठीक है, ये है तेलंगाना में। हैदराबाद किसकी राजधानी है, तेलंगाना की, मैं बार बार बताया हूँ हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। हाँ, पिछले वीडियो में भी किसी ने कमेंट भी किया था कि सर आपने तेलंगाना की राजधानी बता दी हैदराबाद, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन है। आंध्र प्रदेश की राजधानी फिलहाल के लिए हैदराबाद है, लेकिन उसको जो उसकी राजधानी है अमरावती राजधानी मिली है और उसको 10 साल मिले हैं डेवलप करने के लिए। ठीक है, 10 साल बाद उसका पूरा जो कामकाज है वो अमरावती शिफ्ट होगा। 10 साल मिले हैं वो अपनी राजधानी को डेवलप करने के लिए, क्योंकि आप किसी भी जगह को आसानी से एकदम से एक राजधानी नहीं बना सकते। यूपी की राजधानी लखनऊ है, एकदम से बोल दिया जाए कि नहीं राजधानी अब लखनऊ नहीं बनारस होगी आज से, तो आप जो यहाँ पर उनकी ऑफिशियल जितने ऑफिशियल ऑफिसेस हैं उन सभी ऑफिसेस को एकदम से कैसे शिफ्ट कर देंगे। और वो भी चलिए ठीक है, बनारस तो एक विकसित जगह है, आप कोई ऐसा सिटी दे देते जो थोड़ा सा विकसित नहीं है अभी, वहाँ लोग इतने विकसित नहीं है, वहाँ पर उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उसको डेवलप करने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो 2014 में इसका विभाजन हुआ, 2014 से ये मान लीजिए आपको 2024 तक के लिए इसको टाइम मिला है, तब यहाँ तक इसको अपनी राजधानी जो है उसको डेवलप करना है। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा है, छत्रपति साहू जी महाराज। ठीक है, महाराज पहले ऐड नहीं था, छत्रपति साहू जी सिर्फ था, साहू जी इंटरनेशनल, महाराज को अभी रिसेंटली ऐड किया गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। ठीक है, अभी आपको बताने की जरूरत नहीं कि मुंबई कहाँ पर है, आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना होगा, और वैसे तो ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये इतने ज़्यादा सुने जाते हैं इसलिए आपको याद रहता है, क्योंकि सीएसटी जो है, सीएसटी छत्रपति साहू जी महाराज जो कहते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है, जो मैंने शायद साहू जी बोल दिया तो शिवाजी कर लीजिएगा, इसको फिर डाउट मत करिएगा इस पर, छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ है हर नाम जो ये मुंबई के साथ, तो आपको याद करना काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर, इनका जो क्या कहते हैं, इनका जुड़ाव है नागपुर से, इसकी वजह से जो नागपुर का एयरपोर्ट है उसको दिया गया है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट जो है गोवा, गोवा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा के नाम पर ही है और वो गोवा स्टेट में पड़ता है, नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट वाला जो है ये आपको याद करना है, इसका नाम रिसेंटली चेंज किया गया है, इसका मुझे ईयर एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन पहले जो था ये बेंगलुरु सिटी के नाम से ही इसका एयरपोर्ट था, बाद में इसका नाम चेंज किया गया, कैंपे गोंडवा, ये अलग अलग भी लिखा जाता है, कैंपे गोंडवा अलग अलग भी लिखा जाता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु कहाँ पड़ता है आपका, कर्नाटक में। और नेक्स्ट वाला एक और है कर्नाटक का, मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैंगलोर के बारे में आपने शायद 2008 या 9 के टाइम पे, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, 2008 या 9 के टाइम पे एक ट्रेजडी हुई थी, एक प्लेन जो था वो क्या कहते हैं रनवे से सीधे खाई में जा गिरा था, इसमें लगभग 150 लोग मर गए थे, लगभग 150 लोगों की डेथ हो गई थी, काफ़ी बड़ी ट्रेजडी थी एयरपोर्ट्स की अगर बात की जाए अभी तक की मतलब हिस्ट्री में। तो इस तरीके से आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। मैंगलोर भी आपका कोस्टल लाइन पे पड़ता है, अभी सबके बारे में आपको मैं सब आपको एक बार दिखा दूंगा, और जो इंपॉर्टेंट वन है जो आपको याद करने हैं वो एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूंगा। इस तरीके से आपको बोरिंग लग सकता है क्योंकि चीज़ें बहुत सारी होती हैं पढ़ने के लिए, लेकिन आपको बोरिंग ना लगे इसलिए मैं और बहुत सारी चीज़ें साथ में बताता चल रहा हूँ। तो हमारे इस लिस्ट के जो लास्ट 6 एयरपोर्ट्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, और जिसमें से 3 केरल के हैं और 3 आपके तमिलनाडु के हैं। तो पहला जो है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसकी विशेषता मैंने आपको बताई थी, आप जिसमें मैंने आपको पूरा समझाया था सोलर पावर के बारे में। तो सोलर पावर्ड जो एयरपोर्ट है ये फर्स्ट एयरपोर्ट है, ना कि सिर्फ इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट एयरपोर्ट है जो सोलर पावर्ड है। ठीक है, ये है कोचीन एयरपोर्ट। अभी यहाँ पे एक तरीके से बाढ़ आई थी और ये पूरा एयरपोर्ट एक तरीके से डूब गया था। ठीक है, जिसमें इदुक्की जो रिजर्वायर था उस वहाँ से इदुक्की रिजर्वायर से बहुत सारा पानी छोड़ दिया गया था, इसमें बहुत सारी क्या कहते हैं कंट्रोवर्सी हुई कि वो पानी पहले धीरे धीरे छोड़ा जा सकता था, लोगों को बता दिया जाता है, बहुत सारे लोगों की जान गई और बहुत मतलब भारी तबाही हुई थी एक तरीके से केरला में। तो वो उस तबाही में ये भी आया था, क्योंकि ये एयरपोर्ट जो है ये किसी नदी के बहाव के बीच में पड़ता है। ठीक है, तो अगर ऐसे उल्टी सीधे तरीकों पे, उल्टी सीधी जगहों पे बना दिए जाते हैं जो नेचुरली सही नहीं है, नेचर के बीच में कुछ मतलब नेचर के साथ खिलवाड़ किया जाता है, तो फिर कुछ इसी तरीके के काम होते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट है आपका
ये तो हो गया आपका कोचिन का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है आपका कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कैलिकट का नाम क्या कहते हैं, पहले कैलिकट का नाम तो आप जो है अब चेंज कर दिया गया है, ठीक है, कैलिकट पुराना नाम है, ऐसे ही कोचिन पुराना नाम है, पहले कोचिन ऐसे लिखा जाता था और अब उसको ऐसे लिखा जाता है, तो अब इन सिटियों के नाम चेंज हो गए हैं। कैलिकट का नाम चेंज करके कोझिकोड कर दिया गया, ठीक है, कोझिकोड। तो कोझिकोड का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट है त्रिवेंद्रम। तीनों के जो नाम है वो पुराने एयरपोर्ट्स के नाम पुराने वाले उस पर हैं और तीनों के सिटी चेंज हो चुके हैं। त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अब इसका नाम जो हो गया है तिरुवनंतपुरम, ठीक है, ये राजधानी है केरल की, तिरुवनंतपुरम। और अब इसका जो क्या कहते हैं एयरपोर्ट है वो पुराने नाम से ही अभी भी है, त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट, ठीक है। और जो लास्ट तीन है वो है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसके बारे में नाम एग्जैक्टली सेम है और चेन्नई में ही है। और फिर आपका आएगा लास्ट में कोयम्बटूर, कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपका कोयम्बटूर में है, ये भी उसकी सिटी के नाम पे ही रखा हुआ है। और जो लास्ट का है आपका तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली ये भी सिटी के नाम पे ही है, तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये तीनों पड़ते हैं आपके तमिलनाडु के अंदर, ये आते हैं आपके तमिलनाडु के अंदर। तो इस तरीके से ये जो लिस्ट थी पूरी वो मैंने आपको बता दी, अगर आपने नोट किए कहीं पर तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में मैंने चीज़ें जो एक्सप्लेन की हैं वो आप सिर्फ सुन लीजिए, ऐसे सुनते सुनते काफ़ी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं इनको मैप में दिखाता हूँ एक बार सबको, तो वहाँ से देख के आपका थोड़ा सा और इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैप में पहले हम ऊपर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था अमृतसर में श्री गुरु रामदास, देखिए आपको पूरा लिखा मिल जाएगा, श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपका अमृतसर में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है चंडीगढ़ में चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। फिर राजस्थान में मैंने बताया आपको जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि लखनऊ में चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और फिर उसके बाद बताया मैंने बनारस, बनारस में भैया वाराणसी बोल दीजिए, वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है, सिक्किम में छोटा सा दिख रहा है, यहाँ पर अगर आपको ये समझ में आ गया, ये जो नया एयरपोर्ट बना हुआ है अभी ये सिक्किम का नहीं है, मुझे लगा था कि सिक्किम वाला दिखाया गया होगा, लेकिन इसका जो नाम है उससे समझ में आया कि ये सिलीगुड़ी के पास में, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो मैंने आपको बताया बहुत बार, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास पड़ने वाला एक एयरपोर्ट है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर आता है आपका वेस्ट बंगाल में, तो ये वेस्ट बंगाल वाला है। अगर इसको जूम करेंगे तो हो सकता है आपको सिक्किम वाला दिखाई दे, वो रिसेंटली बना है तो ये दिख नहीं रहा है, काफ़ी बड़े बड़े एयरपोर्ट्स यहाँ पर दिख रहे हैं। तो फिर जो नेक्स्ट है आपका असम का, मैंने बताया था कि लोकप्रिय गोपीनाथ जो बरदोली वाला एयरपोर्ट है वो असम में पड़ता है, गुवाहाटी में। अब बढ़ते हैं हम क्या कहते हैं भारत के मिडिल सेक्शन के आसपास, मिडिल में जो एयरपोर्ट्स पड़ते हैं, तो यहाँ पे आपको सबसे पहला एयरपोर्ट जो दिख रहा होगा ये है देवी अहिल्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लिस्ट में शायद ये एयरपोर्ट मैंने नहीं लिखा है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है और आपको याद करना उतना मतलब उतना कठिन नहीं होगा। देवी अहिल्या होलकर, होलकर जो सरनेम है इससे आपको याद रह जाएगा कि ये इंदौर का है, क्योंकि होलकर स्टेडियम आपने सुना होगा, होलकर स्टेडियम जहाँ पर मैचेज होते हैं, क्रिकेट मैच होते हैं, तो वो है इंदौर में, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं देवी अहिल्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट जो है आपका वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपको दिख रहा होगा इस पर लिखा हुआ अहमदाबाद एंड गांधीनगर, ठीक है। तो ये है अहमदाबाद में, इससे आप याद कर सकते हैं कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात से रिलेट करते हैं, उनकी जो यूनिटी ऑफ स्टैचू है वो भी गुजरात में है, तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। जो ये वीडियो है ये वीडियो आप आसानी, ये वीडियो 5 मिनट में ही ख़त्म हो गई होती अगर मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी होती, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, लिस्ट आप जैसे ही सर्च करेंगे आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। तो आपको अगर ये बोरिंग लग रही है थोड़ी सी वीडियो, तो फिर मैं उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। मैंने तो अपनी तरफ से यही कोशिश की है कि इसमें जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको बताऊं और ये वीडियो के दौरान ही आपको याद करा दूं। नेक्स्ट जो है नागपुर, मैंने बताया था मुंबई में दो क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट हैं, एक छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये मुंबई में है आपका, और नेक्स्ट जो है वो नागपुर का, नागपुर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये है नागपुर में, क्योंकि इनके नाम चेंज हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और एक पुणे में भी है, पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लेकिन क्या है उसका नाम में कुछ ऐसा खास नहीं जो आपको याद रखना हो। इधर अगर बात की जाए उड़ीसा में, तो उड़ीसा में मैंने बताया था बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो अभी के जो क्या कहते हैं सीएम है नवीन पटनायक, उनके पिताजी के नाम पर रखा गया है, ठीक है। एक विशाखापट्टनम में भी है, लेकिन विशाखापट्टनम वाला जो है वो भी उसी के नाम पर है, मतलब विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि यही नाम लिख के वही आपसे पूछ लिया जाए कि किस सिटी में है। फिर नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है साउथ इंडिया में, अगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है हैदराबाद में, और हैदराबाद फिलहाल किसकी राजधानी है, तेलंगाना की, ठीक है। हैदराबाद में है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट जो है आपका
जहाँ पे, यहाँ पे क्या कहते हैं, कर्नाटक शुरू होता है और आपका महाराष्ट्र ख़त्म होगा, वहाँ पर आपका पड़ेगा गोवा, ठीक है। और गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अगर थोड़ा सा और नीचे की तरफ जाएंगे आप, तो कर्नाटका के जो सी एरिया है उस पर आपको दिखेगा मैंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। मैंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहीं पर वो एक्सीडेंट हुआ था जिसके बारे में इससे पहले आपको बताया था कि पहाड़ियों से नीचे गिर गया था, क्योंकि जो ये एरिया है ये थोड़ा सा हिली एरिया है, जो आपका वेस्टर्न घाट है, मैंने इससे पहले की जो वीडियोज़ में बताया था, वेस्टर्न घाट है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो जो वेस्टर्न घाट की श्रृंखलाएँ हैं वो ऐसे ही इधर से ही ऐसे निकली हुई हैं पूरी। तो मैंगलुरु जो आपका पड़ता है वो पूरा पड़ता है आपका वेस्टर्न घाट्स के अंदर, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स के अंदर पड़ने की वजह से यहाँ पे हिली स्टेशन है, थोड़ा सा पहाड़ियों पे है, और उसी में से किसी एक पहाड़ी से जहाँ से रनवे से, जहाँ रनवे ख़त्म होता है, तो उस रनवे पे ना रुक के रनवे से नीचे गिर गया था। इस वजह से लगभग 150 लोगों की, 156 शायद हैं एग्जैक्टली अगर बात की जाए, 156, ठीक है, 156 लोगों की डेथ हो गई थी। और उसके जस्ट नीचे अगर जहाँ से केरला स्टार्ट होता है, ये देखिए आप लाइन दिख रही होगी, यहीं से केरला लंबा लंबा नीचे की तरफ स्टार्ट हो जाता है। तो केरला में आपको पहला पड़ेगा कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरा पड़ेगा आपको कोचीन एयरपोर्ट। कोचीन के बारे में मैंने आपको बताया था कि सोलर पावर्ड क्या कहते हैं पहला एयरपोर्ट है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। और इसके नीचे तिरुवनंतपुरम पड़ता है, मैं भी अब वो आपको दिखाता हूँ। इसके नीचे जो है ये लास्ट में तिरुवनंतपुरम पड़ता है, ठीक है। त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम में है, तिरुवनंतपुरम आपकी राजधानी है इसकी। अगर बात किया तो यहाँ पर कर्नाटका का एक और ये जो है दूसरा वाला मैंगलुरु, एक कर्नाटका का मैंगलुरु है, दूसरा कर्नाटका का है बेंगलोर, बेंगलोर वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका नाम चेंज हो गया और नाम लिखा गया है ये आपका कैंपे गोंडवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अगर क्या कर बात किया तमिलनाडु में, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पर चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इस तरीके से उत्तर भारत से लेके मैंने दक्षिण भारत तक के आपको जो क्या कहते हैं एयरपोर्ट्स थे, इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स थे, वो मैंने इसमें दिखाए हैं। और एक बार अगर आप चाहें तो फिर से इसको देखिए, और देखते ही आपको काफ़ी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी कि ऊपर से नीचे तरफ देखते जाएंगे, और आपको अपने जो नाम है एयरपोर्ट्स के नाम वो आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। इस तरीके से ये पूरा डिस्कशन था एयरपोर्ट्स के बारे में, जो इंपॉर्टेंट है एक बार फिर से आप देख लीजिए। ऊपर से जिन पर टिक लगे हुए हैं, डबल टिक लगे हुए हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, उनके नाम याद करना, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा डिस्कशन यहीं पे ख़त्म होता है। और कुछ डाउट्स जो लोगों को, जो मैं फिर से बोलना चाहूँगा, जैसे कुछ लोग जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो वीडियो की प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं, वो भी मैं आपको चाहिए लाइव दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से अगर आप हमारी पुरानी वीडियो देख रहे हैं, इस पर आप जैसे ही क्या कहते हैं चैनल पर क्लिक करेंगे, तो ये जो चैनल खुल के आएगा वहाँ पर पूरा खुलेगा, वहाँ पर आपको होम पेज पर जाना, होम पेज पर आपको एक वीडियो दिखेगी जो रजिस्टर की आती हुई दिखाई देगी, वहाँ से आप प्लेलिस्ट पर जाइए, और प्लेलिस्ट में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेंगी अलग अलग, जिसमें आपको जैसे ही आप क्रिएटेड प्लेलिस्ट में अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे, तो इसमें इस प्लेलिस्ट में भी आपको जीए की वीडियो मिल जाएगी, ये है आपका, ठीक है, ये है जीए का वीडियो। इस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करके पूरी जो वीडियोस हैं वो पूरी वीडियोस पा सकते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करके पूरी वीडियो आपकी चल जाएगी, ठीक है। पूरा लिस्ट जो है इसके नीचे आपको मिल जाएगा। तो जो लोग बार बार बोलते हैं सर आपकी जो वीडियोज़ नहीं मिल रही मुझे, तो वो यहाँ से उनका ये सोल्यूशन है जो मैंने आपको वीडियो के अंदर ही बता दिया। बहुत बार बता बता के मैं थक चुका था, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से ये तो था उन लोगों के लिए जिनको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही थी, और ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। इसमें जो डाउट्स हुए हैं अगर आपको कोई, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो एमसीक्यू का वीडियो होगा वो कल मिलेगा आपको, ठीक है, नेक्स्ट डे, जैसा कि पोल में था नेक्स्ट डे का। लगभग 80% लोगों ने पोल में क्या कहते हैं उसी को बोला कि पहले आप टॉपिक पढ़ाएं और उसके बाद एमसीक्यूज कराएं। इस तरीके से कोर्स थोड़ा सा लंबा जरूर खींचेगा, लेकिन शायद बेटर तरीका रहेगा समझाने का। तो मैंने आप सबका जो एक तरीके से डिसीजन था वही डिसीजन मैंने माना, और इसी तरीके से अब चलेगा। तो स्पीडअप एजुकेशन में अभी तक आपने टाइम दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और उसको क्या कहते हैं सराह रहे हैं, उसके लिए भी आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।